तो यार लिटरली अभी जो हमारी इंडियन टीम है उसने पाकिस्तान टीम को हरा दिया एंड वो जीत चुके हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच, लाइक लिटरली अभी टीम इंडिया जीती एंड फिर मैं वीडियो बनाने आ गया था। तो यार लाइक बहुत ही स्लो मैच था, पर लास्ट में आके जो मैच था पूरा का पूरा इंटेंस मैच हो गया था। आपका क्या ओपिनियन इस मैच पर मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की जो वीडियो होने वाली है इस पर मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है हमारे पूरे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी रिगार्डिंग, सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो यार मैं वीडियो में बात करने वाले टूर्नामेंट के बारे में, जिसका जो नेम है वो है वारजोन अंडरडॉग्स लीग, जिसका जो प्राइस पूल है वो है 10,000 रुपीज। इसका जो रजिस्ट्रेशन डिस्कॉर्ड पर, डिस्कॉर्ड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब जाकर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो एंड टूर्नामेंट में रजिस्टर कर लो। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हैंडलॉक प्लेयर्स के लिए जो कि स्पोर्ट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोग जाके ज्वाइन कर लो। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो निकल गए थे वर्ल्ड बैटल की तरफ से। तो आपको पता है कि लाइक आज 3 दिन बाद जो हमारे गणेश चतुर्थी है वो है, तो इसके ऊपर जो वर्ल्ड बैटल उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला, लाइक वो जो है अपने लाइव स्ट्रीम पर लाइक काइंड ऑफ एक पूजा कराएगी, अनुष्ठान करवाएगी। तो भाई बेसिकली लाइक मेरे को बहुत ही यूनिक लगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा क्या मैटर है, क्या करवाई गई थे वर्ल्ड बैटल में, आप सबको दिखाता हूँ। चलन पहले कभी किसी ने की नहीं थी वर्ल्ड ऑफ बैटल, इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ गाइज, हम लोग परसों की लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले एक अनुष्ठान करना चाहते हैं जहां पे गणेश पूजा होगी गाइज। तो जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होगा, शुरुआत में 5 मिनट तक जो है गीत और भजन चलेंगे एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैटल साइड में और मैक्स क्रील आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहेंगे कि उस दिन प्लीज चैट में किसी को भी अपशब्द या कहीं पे भी किसी टीम को हेट के चक्कर में भी किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि किसी भगवान की पूजा के टाइम पे ये अच्छा नहीं लगता है। एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर दैट पूजा, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी देखा नहीं है कि कहीं पे जो है पूजा की शुरुआत सबसे पहले हो। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके टॉक्सिसिटी ना फैलाइएगा। हम आप तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है वो निकल करी ऑरंगुटन की तरफ से। तो आपको पता है कि लाइक बहुत टाइम से जो हमारे ऑरंगुटन वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं, लाइक उनका जो पिंग है वो नहीं आ रहा, जो उनके नेट है वो मतलब नहीं आ रहा। तो बेसिकली पूरा का पूरा क्या मैटर है इसके ऊपर जो हेट प्लेस उन्होंने पहाड़ी के लाइफ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। तो पूरा का पूरा क्या सीन है मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो हिज भाई बंदों का सवाल ये था कि थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा आपको इधर आना पड़ेगा। अच्छा आपको बैठना, लो बैठना, मेरे को भी बैठना है। मेरे मेरे भाई मेरे गोदी में मेरे को भी बैठना है। इधर बताओ, देखो बंदों का सवाल ये है, ये देखो नीचे नेट नहीं चल रहा, एक तो सबसे बड़ी बात ठीक है तो है। और गाइस पूछो गाइस, एक तो हमारा इंटरनेट सही नहीं हो रहा है। देखो गाइस, देखो सिंपल से अब तुम लोग बताओ सोल्यूशन, ठीक है। अभी अपने पास एक लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर था, उसको भी लगा। कहानी गाइस, ये कहानी है, कान ठीक है। तो तुमको अभी बता रहा हूँ क्या सीन है। अपने एक लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर है, उसको लगाया है, वो बोला अपना कनेक्शन नहीं है, 2 बैंडविड्थ्स है, तो 2 कनेक्शन लगाया उनका। फिर अपना दूसरा लोकल कनेक्शन लगाया, वो भी एक साथ उनको बात करके, तो 4 कनेक्शन है अभी अपना लोकल वालों से। फिर एयरटेल वाले से बात किया, एयरटेल वाले बोले, एयरटेल वाले आए थे, तू भी देखा था ना, एयरटेल वाले आए थे बट एयरटेल वाले कनेक्शन नहीं दिया अभी तक। फिर जियो वाले को हमने ऑलरेडी पैसा पे कर दिया है, उनका जो भी फाइबर का है वो लोग एडवांस भी ले ले, सब ले ले, बट जियो वाले भी नहीं आ रहे। तो अभी बताओ हम क्या करें, हम पैसे देके बैठे हैं, इंटरनेट वाला खुद नहीं आ रहा है, इंटरनेट इतना फक कर रहे हैं भाई, इसका लाइव नहीं चल रहा, इनका मैचेस नहीं चल रहा, वैलो का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा, मेरा खुद प्रैक्टिस नहीं चल रहा पबजी पीसी का, इतने सारे प्रॉब्लम है। बट मेरे को लग रहा है ना इन सबका घर से खेलने के लिए करना पड़ेगा, पीसी वीसी सब पैक कर दो, सब भेज दो इनके घर। तुम्हारे घर में सब सेटअप कर देंगे, सब पहाड़ी के घर में, पहाड़ी के घर में एक बूट कैंप बनाएंगे, मिनी बूट। अरे भाई ये सब ऐसा ऐसा पीसीस डालेंगे सब वहां से खेल लेंगे। अभी वही सोल्यूशन बचा है, जब हम क्या सोच रहे हैं कि हम दुबई में जा सकते हैं, किधर दुबई में एक बूट कैंप कर सकते हैं। हाँ अच्छा, गेम बैन है बेटा, गेम होता तो सोचते भी हम, है ना, बैन गेम है, बैन प्लेयर है, क्या प्लेयर कहाँ बैन है, प्लेयर तो अलग है भाई, दिख रहा है इंटरनेट की वजह से मर रहा है सब, इंटरनेट मर रहा है ना, अगर इसको रहता तो सड़क पर बैठ के खेलता क्या उसके, बस इंटरनेट इंटरनेट सही कर रहा है, बाकी तो हम संभाल लेंगे, हम ट्राई तो है ब्रो। पर्सनल टावर लगा लो, पर्सनल टावर नहीं लगा सकते यार, वो ये नहीं है। तो
तो आज की जो हमारी अगली न्यूज़ है वो निकल के आ रही है मिस्टर जेवाईटी की तरफ से। तो क्या जो हमारे मिस्टर जेवाईटी ने टूर्नामेंट के दौरान कुछ चीटिंग किए, उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान का लाइक कुछ रूल बुक में जो रूल्स होते, जो हमारे फ्री फायर के ऑफिशियल रूल बुक में जो रूल्स होते, कि उन्होंने उस रूल बुक का उल्लंघन किया था बेसिकली, पूरा का पूरा क्या सीन था मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो, तो देखो वो क्लिप आपने देख लिया, बट तो यहाँ पे देखिए आपका स्क्रीन पर जो मिस्टर जेवाईटी थे वो उस क्लॉक टावर के घर पे ऊपर चढ़ रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने ऊपर की तरफ एक बॉल लगाई थी, ठीक है। एंड सर है वॉल प्लेसमेंट देखो, लाइक कि उन्होंने अपने किसी टीममेट का कवर के लिए नहीं, बट जो ओपोनेंट्स है उनका जो विजन है उसको ब्लॉक करने के लिए लगाई थी। तो यार आई नो कि आपको समझ नहीं है वो क्लिप देखे कि बेसिकली यहाँ पे मिस्टर जेवाईटी ने चीटिंग का कि, तो आप एक क्लिप देखो ठीक है। मिस्टर जेवाईटी वॉल लगा रहे ना, तो उस वॉल से उनको कवर मिलेगा ना, रश करने में कोई हेल्प होगा, बस बेसिकली उन्होंने वॉल लगा कि राइट में जो इस कमरे में जो एनिमी होगा उसकी जो विजन है वो ब्लॉक हो जाए, वो बंदा इनेट नहीं मार पाए। एंड रूल बुक में ऐसा रूल है कि लाइक ऐसे घर पे जो स्नाइपर टावर्स होते हैं वहाँ पे आप इस तरीके से वॉल नहीं लगा सकते कि जो आपको ओपोनेंट है लाइक उसका विजन ब्लॉक कर दो ऐसा कुछ। इसके ऊपर जो है आपको मतलब डिस्क्वालीफाई तो नहीं, बट आपके टीम से कुछ पॉइंट डिडक्ट कर लिए जाते। एंड ये जो ग्रेना का ऑफिशियल रूल बुक है उसमें ये रूल लिखा हुआ है, तो एज बिकॉज ये एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट था तो यहाँ पे बेसिकली कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए मिस्टर जय के मतलब ऊपर, बट अगर ये ऑफिशियल टूर्नामेंट होता तो पक्का मिस्टर जय के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तो आज की जो हमारी अगली न्यूज है वो निकल के आ रही है वासियो सीआरजे 7 के तरफ से। जो वासियो सीआरजे 7 था जब वो लाइव थे तब उन्होंने अपने डाउनफॉल के बारे में बात करा, एंड उन्होंने वहाँ पर डेड सोल के एजल के ऊपर भी बात करा, तो वहाँ पर उन्होंने बेसिकली क्या कहा था मैं आप सबको दिखाता हूँ। ऑब्वियसली कितना ही बोल किया है पहाड़ी ने, तो उसने बहुत ज्यादा मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स है ना जिन लोगों ने इस बैन प्लेयर बैन टाइम का इतना अच्छा फायदा उठाया है ना भाई, क्या ही बोले, बहुत बढ़िया। रोशन भी बहुत अच्छी आईजीएल करता है, रोशन आईएनटी में आईजीएलिंग करता था भाई, तब भी वो लोग क्या मचाते थे हर मैच, जब भी देखो उनके किल्स रहते थे भाई, 10 से ऊपर किल्स तो करते ही थे वो लोग। डेड सोल बेस्ट आई थी भाई, डेड सोल ने उस टाइम पे भाई अपनी आई डीलिंग निभाई थी यार अच्छे से। वो फिर छोड़ो वो सब चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे क्यों ध्यान देना, अच्छी चीज़ देख सकते हैं, उसने बहुत अच्छी आई डील की थी भाई उस टाइम पे, उसने 4 अननोन को भाई कोई नहीं जानता था उस टाइम पे, उसने क्या ऊपर लेके आया भाई, उस बहुत अच्छी की थी। अगर हम सब नेगेटिव चीज़ें हटा के देखें तो मैं सिर्फ इतना स्टंबल गाइस खेलेंगे, चलो वो भी खेलेंगे पक्का। अभी मैंने बताई क्या डोटा 2 ट्राई कर रहा था, इतना जम नहीं रहा, बट वेलो खेलता हूँ मैं, वेलो रेगुलर कर। निगमा गैलेक्सी यहाँ पे कब आ गई आप? अरे नहीं यार मेरा टाइम ख़त्म गाइस, अपना टाइम ख़त्म, अभी अपने को और मैं अब शायद पता है सच बताऊँ, मुझे लगता है कि अभी मैं अगर 12th बेस्ट आई जेल होंगे ना तो उसमें 12th नंबर पे हूँ अभी मैं, अभी मुझे अच्छे से सब मैं टाइम के साथ चेंज थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से। ईवोज़ ने पुश कर दिया क्या भाई? तो जॉन्टी गेमिंग की तरफ से हमें एक मस्ती भरा रिवेंज देखने को मिला उनके ही ओजीलेट के मेंबर्स के ऊपर। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो ओजीलेट के मेंबर्स थे वो जॉन्टी गेमिंग का जो लगेज बैग है उसके ऊपर लाइक थोड़ी मस्ती कर रहे थे, तो हमें एक बहुत ही लाइक फनी रिवेंज देखने को मिला, तो मैं आपको दोनों के दोनों क्लिप दिखाता हूँ। गाइस कलेना ने मेरा करा ना, सबसे पहले तनेजा का बैग, ओ पाड़ी का डायलॉग मारा था कल, पाड़ी का डायलॉग मारा था तक्का नहीं करना, तक्का तक्का नहीं करना, तक्का ये पक्का है, पक्का है ये थोड़ा कच्चा है। तो जो आज की हमारे न्यूज़ है वो निकल के आ रही हमारे जो फौजी जोन की तरफ से, जो हमारे फौजी उन्होंने बात किया ड्रैगो के ऊपर, एंड उन्होंने वहाँ पर हल्के फुल्के बात की हमारी टीम वी ब्रोस के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ पर क्या कहा मैं आप सबको दिखाता हूँ। देन और अमान ओपी का रुख जो है रोहित के साथ हल्का सा अटैकिंग दिखता हुआ, सेंट्रल पे मून लाइट की टीम है
और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें नेपाली टीम से एक बार फिर से काफी रिलैक्स नजर आते हुए। और जी फौजी भाई, ड्रैगो के बारे में दो तीन बातें जो आपको याद हो और आप करना चाहें। ड्रैगो के बारे में यादें बहुत है, वो एक ऐसा प्लेयर है कि खतरनाक प्लेयर, जैसे मैं एक सिंपल भाषा में बोलूंगा ना कि खतरनाक प्लेयर है, और जो उसकी बातें रहती है वो उससे ज्यादा खतरनाक रहती है। मतलब वो जो मेरे टीम में माफिया, आप जानते हो, माफिया को बोलने के मामले में कोई भी टक्कर नहीं दे पाता। वो बाहर चाहे बेसक से कुछ भी ना बोले, एंट्री वगैरह में शाय करे, दूसरे पर्सन के सामने ना बोले, बट जब भी टीम के अंदर का बातें रहती हैं तो वो बहुत ज्यादा बोलता है, और इन द सेंस किसी प्लेयर को बोलने नहीं देता वो, चाहे वो लिखी हो, डिलीट हो, इन दो कोई, मतलब बाला भाई हमसे थोड़ा दूरी बना के रखता है। तो ड्रैगो उसकी टक्कर का प्लेयर था, कभी भी जब ड्रैगो और माफिया साथ में खेलते थे तो जो उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी बोलने के चक्कर में, वो अलग लेवल पे है। और ड्रैगो के जो नेड और जो उनके वुड पिकर है, मतलब ड्रैगो जो प्लेयर है एकदम सहज और सरल प्लेयर, उसको पता रहता है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेट थ्रो करना है या फिर मुझे यहाँ पे गन चलानी है, रस किस टाइम पे करना है। मतलब वो पूरा एक पूरा कंप्लीट प्लेयर लगता है मेरे को ड्रैगो, और मैं इसीलिए थोड़ा शौक हूँ कि जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से टीम खेल रही है, वो थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच जानी चाहिए। और रोकी भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रोहित है, रोहित नहीं खेल पा रहे हैं एक्चुअली, उनका ईयरफोन जो है वो खराब हो चुका है, तो जो रोहित के आईडी से वो सुप्रीम स्ट्रोकर एंड ड्रैगो एंड पॉइजन ये खेल रहे हैं, चार लाइनअप जो होने वाली उनकी, वैसे 5 से 6 मिनट लाइनअप है, तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। ओके, तो ये कल रात को ही मेरी रोहित से बात हुई थी एंड ड्रैगो भी कॉल पे थे, तो बातें कर रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं, तो पूरा इन्होंने क्लियर किया। इसलिए आप देख सकते हैं जो डी ब्रो रोहित नेम से आईडी जो होने वाली है, इस पे स्नैपर के करेक्टर लगे हुए हैं, रफाइल लगा हुआ है जो इजी किल फिनिश ऑफ करता है, और जो स्टार्कर होने वाले हैं उनके आईडी से होने वाले ड्रैगो और पॉइजन एंड वो अमान से वो खेल रहे हैं सुप्रीम। That's very nice. And यहाँ पे अगर आप देखें वी ब्रोज, एक बार फिर से इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा दिखता हुआ, मूवमेंट काफी शार्प हो रही है। फौजी भाई कॉन्फिडेंस देख के आप भी समझ गए होंगे कि तैयार हैं ये, सामने अगर 4v4 आ जाएं, मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, शेडो प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं इनके। तो यार आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।